लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। खबर गोड्डा से है। ठगी के शिकार नियोजकों से जांच कर लौटी सीबीआई टीम। गोड्डा में वर्ष 2013 में हुई चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शनिवार को गोड्डा और महागांव के निवेशकों से कागजात हासिल कर रांची रवाना हुई। यहां चिटफंड कंपनी के काले कारनामों की जांच वर्ष 2017 से सीबीआई की रांची अपराध शाखा कर रही है। इससे मामले में कोलकाता के कई चिटफंड कंपनियों के संचालकों के जेल भी भेजा गया है। सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुशील कुमार की अगुवाई में 8 सदस्य टीम ने निवेशकों से कागजात लेकर रांची लौटी। इस दौरान गोड्डा और महागांव में एक दर्जन से अधिक निवेशकों के बयान और कागजात की जांच कर बाद उसे अनुसंधान के लिए टीम ने अपने पास रख लिया है। सीबीआई की टीम ने गोड्डा में सन प्लान कंपनी के मामले में निवेशक के पास जमा कागजात आदि संग्रहित की है। नगर थाना में सीबीआई के अधिकारियों ने बारी बारी से निवेशकों पर बयान कलमबद्ध किया। बता दें कि गोड्डा में वर्ष 2013 में तत्कालीन उपायुक्त के रवि कुमार ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। बाद में सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। अंतर्राज्य चेक नाकाओं पर बढ़ाई गई सख्ती। गोड्डा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव पर जिले में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के अंतर्राज्यीय सीमा पर बने चेक पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ गई है। यहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती की गई है। उक्त बातें बुआरीजोर प्रभाग के इंस्पेक्टर ऑफिस का निरीक्षण करते हुए शनिवार को एसपी ने निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड संधारण, केस की समीक्षा, लंबित मामलों का जल्द निष्पादन, गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचल क्षेत्र में दागी वारंटियों संदिग्ध फरारियों की सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश एसपी ने दिया। सभी पुलिस कर्मियों को आम जनता के साथ तालमेल बैठाकर विधि व्यवस्था ड्यूटी एवं क्राइम कंट्रोल करने हेतु अलर्ट रखने सख्त निर्देश दिया है। मांदर की थाप पर झूमी आदिवासी महिलाएं। भाई बहन के प्रेम और प्राकृतिक की पूजा का पर्व कर्मा शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। शहरी क्षेत्रों में भी कर्मा पर्व की धूम देखी गई। शहर के शिवपुर मोहल्ला में आकर्षक साज सज्जा के साथ कर्मा पर्व मनाया गया। व्रतियों ने बताया कि अच्छी फसल की कामना करते हुए इस पर्व को मनाया जा रहा है। कर्मा पर ढोल और मांदर की थाप पर झूमते गाते आदिवासी अपनी संस्कृति को तरोताजा भी करते हैं। हिंदू पंचांग में भादो मास की एकादशी को उपवास के पश्चात कर्मा वृक्ष का यहाँ सूखी शाखा को घर के आंगन में गाड़कर देवी देवता को नवान देकर उसकी उपभोग शुरू होता है। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद न हो इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही उसमें 5 तरह के अनाज डाल जाते हैं जिसे जावा कहा जाता है। इसी जावा की परिक्रमा करते हुए बहने अपने बालों में फूल गूंथकर झूमती नाचती है। जैविक विधि से करें सब्जियों का उत्पादन। कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन शनिवार को हुआ। प्रशिक्षण का विषय उच्च मानक सब्जी उत्पादन तकनीक था। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि जैविक विधि अपनाकर प्रवासी श्रमिक ताजी सब्जियों का उत्पादन करें। नीम की पत्तियां तथा नीम के फल से तैयार जैविक कीटनाशक का प्रयोग सब्जी की खेती में करें जिसमें सब्जियों पर खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा और ताजी सब्जियों को खाने से प्रयोग करके मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। देवघर में प्रतिभाओं की कमी नहीं, सुविधा भी बेहतर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला खेल प्राधिकरण एवं जिला ओलंपिक संघ की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS संदीप मीना और विशिष्ट अतिथि जिला खेल पदाधिकारी रवि कुमार को टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। खेल से बनता चरित्र, चरित्र से बनता राष्ट्र। राष्ट्र खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को जसीडी स्थित श्री शंकरा मिशन विद्यालय परिसर में सनातन फाउंडेशन की ओर से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की
तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके विभिन्न स्पर्धा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सनातन फाउंडेशन के चेयरमैन सह अध्यक्ष देवघर जिला कुश्ती संघ एवं हॉकी देवघर ने कहा कि खेल से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से राष्ट्र का। खेल हमें जीवन में आगे बढ़ाने की सीख देता है और साथ अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। नाबालिग को पीटने की जांच प्रक्रिया शुरू। देवघर जसीडी थाना की पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार को सीमावर्ती बिहार के एक नाबालिग छात्र से मारपीट के जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। बाल संरक्षण विभाग के निदेशक डीके सक्सेना ने अखबार में छवि अखबार को संज्ञान देते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। आदेश के आलोक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मीरा कुमारी और चाइल्ड लाइन की टीम जांच में जुट गई है। टीम ने सदर अस्पताल में भर्ती छात्र और उसके परिजनों के मामले की जानकारी ली। सड़क हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मृत्यु। देवघर जिले के सारवार थाना क्षेत्र के बदनी गांव के पास शनिवार को हुए हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक 60 वर्षीय कामदेव वर्मा सारवार थाना क्षेत्र के सदानदी गांव का रहने वाला था। खसको हटिया में सब्जी बेचने के लिए साइकिल से आया था। सब्जी बेचने के बाद वह घर लौट रहा था। बदनी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में कामदेव की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की, बाइक को कब्जे में ले लिया, मामला दर्ज कर लिया। गिट्टी लदे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, दो घायल। खबर है दुमका से। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार को गिट्टी लदे डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ हजडिया सड़क पर पिंडारी ग्राम के समीप गिट्टी लदा डंपर एक बाइक और साइकिल पर पलट गया, जिससे डंपर में लदे गिट्टी के नीचे दब जाने से बुढ़िया झिलुआ गाँव निवासी बाइक सवार दरोगी सिंह की मौत हो गई और उसके साथ बाइक पर सवार बुढ़िया गाँव निवासी केशवर कुंवर तथा साइकिल सवार पिंडारी गांव निवासी भुटाली रावत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया गया है। डीईओ ने दीप जलाकर मोहल्ला क्लास शुरू की। खबर है दुमका के शिकारी पाड़ा से। थाना क्षेत्र के कुशबोना गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशबोना में शुक्रवार को जिला शिक्षा अध्यक्ष मसूदी टूडू के द्वारा मोहल्ला क्लास का उद्घाटन दीप ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अध्यक्ष मसूदी टूडू ने बताया कि कोरोना की इस संक्रमण काल में विद्यालयों के बंद हो जाने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है। इससे निपटने के लिए विभाग ने व्हाट्सएप एवं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की है, परंतु बहुत सारे गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने और शैडो एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण व्हाट्सएप क्लास की अवधारणा फलीभूत नहीं हो पा रही है। इसलिए विभाग ने शैडो एरिया में मोहल्ला क्लास की अवधारणा को लाया है, जिसमें संबंधित विद्यालय के शिक्षक गण उस विद्यालय के एवं गांव के आसपास के बच्चों को विद्यालय में ना बुलाकर उसके मोहल्ले में जाकर ही पढ़ाएंगे। शिक्षकों को रोस्टर के अनुसार मोहल्ले में तैनात किया जाएगा। इस अवसर पर जिला शिक्षा अध्यक्ष को उपस्थित शिक्षकों ने शॉल एवं पगड़ी देकर सम्मानित किया। अवैध बालू लदे 3 ट्रक को DMO ने किया जब्त। खबर है दुमका के नाला कुंडहित से। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा ओवरलोडिंग के आरोप में बालू लदे 3 ट्रकों को जब्त किया। शुक्रवार की देर रात कुंडहित दौरे के क्रम में जामताड़ा जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद द्वारा कुंडहित थाना क्षेत्र के धेनुडी मोड़ के निकट आसनसोल दुमका मुख्य सड़क पर नाला से दुमका की ओर जा रहे बालू लदे 3 ट्रकों को जब्त किया। जब्त ट्रकों को कुंडहित थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने बताया कि ट्रक पर मौजूद चलान के काफी अधिक मात्रा में बालू लोड पाया गया है। ओवरलोडिंग के आरोप में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में बालू का कारोबार करने वालों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। अमृता नंदमयी ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर जामताड़ा गैंग के हुए शिकार, 1 लाख रुपये अकाउंट से साफ, मुकदमा दर्ज। खबर है झारखंड के जामताड़ा से।
गैंग ने फरीदाबाद में अमृता नंदमयी ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना शिकार बनाकर उसके बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपये से अधिक की राशि साफ कर दी है। मैनेजर की शिकायत पर सेक्टर 31 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का मानना है कि इसी गैंग ने प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना शिकार बनाया है। ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर मिथियस पिंटो सेक्टर 30 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उन्हें सुरेंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति ने 3G मोबाइल सिम को 4G में अपडेट कराने के लिए फोन किया। उसने कहा कि कॉल सेंटर से जो कॉल आएगी और जो जानकारी मांगी जाएगी उसे दे देना, इसके कुछ दिन बाद मोबाइल 4G में अपडेट हो जाएगा। फोन करने वाले ने पीड़ित को 121 पर डायल करने और ऑपरेटर के निर्देश को फॉलो करने के लिए कहा। पीड़ित ने सर्विस केयर सेंटर पर फोन कर सभी जानकारी दे दी। बाद में पता चला कि उसके मोबाइल का इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया। माना जा रहा है हैकरों ने उसके सिम का क्लोन तैयार कर बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपये निकाल लिए। कुछ दिन बाद जब मोबाइल नंबर पर मैसेज आया तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। बता दें साइबर सेल ने पिछले दिनों झारखंड के जामताड़ा और देवघर से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। खबर है जामताड़ा से। साइबर ठगी कहीं भी हो सामने आता जामताड़ा कनेक्शन, यहां चक्कर काटती रहती देश भर की पुलिस। अलग अलग तरीकों से लोगों को झांसे में लेकर उनका बैंक खाता साफ कर देने वाले जामताड़ा के साइबर ठगों को तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। अक्सर जामताड़ा में किसी ने किसी शहर और राज्य की पुलिस साइबर ठगों की तलाश में पहुंचती रहती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु समेत तमाम शहरों की पुलिस यहां साइबर ठगी के सूत्र तलाशते हुए पहुंच चुकी है। हाल ही में यह हरियाणा के फरीदाबाद में की गई साइबर ठगी के एक मामले में जामताड़ा के 5 अपराधी पकड़े गए तो उसके तार 5 राज्यों से जुड़े मिले। अब कई राज्यों की पुलिस साइबर अपराध की घटनाओं के सिरे जोड़कर संयुक्त रूप से जांच करने में भी जुटी है। हालात यह है कि साइबर ठगी कहीं भी हो मास्टरमाइंड जामताड़ा के ही होते हैं। यहां के ठग देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक बड़ी राजनीतिक हस्तियों, सिनेमा के कलाकारों, व्यवसायियों और अफसरों समेत तमाम छोटे बड़े लोगों के बैंक खातों से माल उड़ा चुके हैं। जामताड़ा में वोकल फॉर लोकल को साकार कर रहे हैं मोहली परिवार। खबर है जामताड़ा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वोकल फॉर लोकल को साकार करने में जामताड़ा जिले के भंडारो पंचायत अंतर्गत फुलजोड़ी गांव के मोहल्ली परिवार के द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। इन परिवारों द्वारा हरे बांस से टोकरी, सूप, डलिया, खांची, खांचा सहित अन्य सामान बनाए जाते हैं जिससे वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। जामताड़ा जिले के भंडारो पंचायत अंतर्गत फुलजोड़ी गांव के मोहली परिवारों ने अपनी पुश्तैनी पेशे को आज भी अपनाए हुए हैं। इन परिवारों की महिलाओं एवं पुरुष सदस्यों के द्वारा हरे बांस से टोकरी, सूप, डलिया, खांची, खांचा सहित अन्य सामान बनाए जाते हैं जो आज भी इनके लिए आजीविका का साधन बना हुआ है तथा यह वोकल फॉर लोकल को भी संबल प्रदान कर रहा है। खबर है पाकुड़ से। सरकार के फैसले से लोगों में खुशी, तैयारी में जुटे कारोबारी। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार के अनलॉक 4 में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। 1 सितंबर से कई नए क्षेत्रों को राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद से महीनों से बंद होटल, धर्मशाला, मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून आदि खुल जाएंगे। अंतर जिला बसों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे जिले में व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर रखी क्षेत्र की समस्या। राजमल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा ने शुक्रवार की देर शाम पाकुड़ परिसदन में राज्य के ग्रामीण विकास व सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। सांसद ने मंत्री को क्षेत्र की बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया है। खबर है साहेबगंज से। 2 करोड़ का गोलमाल तकरीबन 2.5 साल होने को चला है पर अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। दिसंबर 2018 में भारतीय स्टेट बैंक की व्यक्तित्व शाखा में ग्राहकों के खाते से हुए करीब 2 करोड़ रुपये की गोलमाल की प्राथमिक दर्ज की गई। करीब 20 माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका है। नगर थाना में पड़ी इस मामले की फाइल पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। इसे झाड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। होटल व रेस्टोरेंट संचालकों का आदेश का इंतजार।
खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज से 1 सितंबर से राज्य सरकार ने होटल, मॉल, लॉज, रेस्टोरेंट, लॉज आदि खोलने तथा बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है। इस निर्णय से इस व्यवसाय से जुड़ी लोगों में उत्साह है। हालांकि यहां के होटल व रेस्टोरेंट का कारोबार रेलवे पर टिका है, ट्रेनों का संचालन सुचारू नहीं होने से होटल संचालक उदास हैं। वे जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलने के बाद ही वे आगे की रणनीति बनाएंगे। उदार धर्मशाला में चल रहे होटल के संचालक रामानंद शाह ने कहा कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद ही इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। चौधरी कॉलोनी स्थित होटल अभिनव सिरी के संचालक अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा है कि फिलहाल अभी कोई तैयारी नहीं की जा रही है। आदेश मिलने के बाद स्थिति को देखते हुए होटल को चालू किया जाएगा। चौक बाजार स्थित होटल ड्रीम स्टार के संचालक विकास कुमार कहते हैं कि होटल खोलने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है। खबर है साहेबगंज से, कृषि की उन्नत तकनीकी से होगी किसानों की तरक्की। साहेबगंज के कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को प्रधानमंत्री की रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विद्यालय झांसी के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर उनके संबोधन को किसान को सुनाने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीकी से किसानों की तरक्की होगी। किसान टपक सिंचाई योजना का लाभ लेकर कम पानी में बेहतर पैदावार कर सकते हैं। सभी किसान मास्क लगाकर पहुंचे थे। साहेबगंज जिले के किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र में जुटकर अपने मोबाइल पर भी लिंक के जरिए प्रधानमंत्री का भाषण सुना। इसके अलावा जो किसान मोबाइल नहीं ला सकते थे, उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाया गया। साहेबगंज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत कुमार झा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के अलावा किसानों के लिए बहुत अनेक जानकारी दी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए श्री प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में किसान को बताया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके मेहता, डॉक्टर माया कुमारी, फॉर्म मैनेजर कौशिक चटर्जी आदि थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।